बच्चों आज हम लोग पाठ चार मन करता है कविता पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग अपनी अपनी किताब में ध्यान पूर्वक देखिए एवं सुनिए। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ी लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंगे उड़ाऊं। बच्चों इसमें कवि ने बताया कि एक छोटा सा बच्चा है जो मन में सोच रहा है कि मैं क्या बनूं, कहीं सोचता मैं सूरज बन जाऊं तो दौड़ लगाऊं, कभी करता मैं चंदा बन जाऊं तो तारों पर अकड़ जमाऊं। उसके बहुत सारे मन अलग अलग करते हैं, कभी कभी सोचता है मैं दादा बन जाऊं तो घर में सबको डांट खिलाऊं, सब पर धौंस जमाऊं। इस प्रकार से बच्चा हो कभी कभी ये भी सोचता है कि मैं तितली बन जाऊं तो खूब दूर देश घूम कर आऊं, कभी कभी वो सोचता है कोयल क्या सुंदर मीठी तान में गाती है, कूक कूक की आवाज करती है, तो जब उसकी आवाज सुनता है बालक तो ये सोचता है कि मैं कोयल की तरह मीठा मीठा गीत गाऊं। उसका मन ये भी करता है जब घर में पास पड़ोस में बाहर निकलता है और चिड़ियों की चू चू ची ची की आवाज सुनता है, उनको प्रसन्न देख कर जब वो चिड़िया चहचहाती हैं तो बालक का मन ये लगता है कि मैं पक्षी बन जाऊं। कभी कभी जब वो बच्चों को पतंग उड़ाते हुए देखता है, लाल पीली पतंग उड़ाते हुए देखता है, तो उसका भी मन करता है कि मैं अपनी पतंग उड़ाऊं। तो बच्चों इस कविता के रचयिता सुरेंद्र विक्रम जी हैं और इसके आगे हम आपको आगे ले चलते हैं। बच्चों अब आए तुम्हारी बात तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों, घर में स्कूल में। बच्चों घर में माता पिता शरारत करने पर धौंस जमाते हैं, स्कूल में शिक्षक काम पूरा ना करने पर धौंस जमाते हैं। अगला प्रश्न है, मन करता है चिड़िया बनकर चींची चू चू शोर मचाऊं, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। मेरा मन तब चिड़िया बन जाने को करता है जब मैं चिड़ियों की प्रसन्नता से चींची चू चू करते देखता हूं, तो मेरा भी मन करता है। अगला प्रश्न है, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा आसमान में। बच्चों आसमान में चांद तारों पर अकड़ जमाता होगा, खेल में कप्तान खिलाड़ियों पर अकड़ जमाता होगा, जंगल में शेर अन्य जानवरों पर जो उससे छोटे जानवर होते हैं उन पर अकड़ जमाता होगा, स्कूल में मॉनिटर बच्चों पर अकड़ जमाता होगा, नदी में बड़ी मछली छोटी मछलियों पर अकड़ जमाती होगी, घर में दादाजी घर के अन्य सदस्यों पर अकड़ जमाते होंगे। तो बच्चों समझ गए होंगे ना इस बात को, अब देखिए हम आगे चलते हैं। तो अब देखिए अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो। इसके लिए बच्चों आप अपने घर के बच्चों का नाम लिस्ट बना लेंगे और जब आप स्कूल में जाएंगे तो अपने दोस्तों की कॉपियों देख करके उनकी लिस्ट देख करके आप मिलान कर सकते हैं। देखिए मैंने अपना बनाया है, जैसे आदित्य उसको कार चलाने का मन करता है, पूजा वो पायलट बनने का मन करता है, शौर्य शिक्षक बनने का मन करता है, राज उसे डॉक्टर बनने का मन करता है। बच्चों अगला प्रश्न है, पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखो। बच्चों कविता में कई शब्द आए हैं जिसको मैं चाहता हूं कि उनके और आपको एक से अधिक अर्थ आपको बता दूं। तो पहले मैं आपको बता दूं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो बच्चों पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जो शब्द समान अर्थ देते हैं,
वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब आप समझ गए ना। अब आप आगे देखिए, मैंने लिखा पहला शब्द है सूरज, सूरज के पर्यायवाची शब्द है सूर्य, दिनकर, भास्कर। आसमान के पर्यायवाची शब्द है गगन, नभ, आकाश, चंदा। चंदा के पर्यायवाची शब्द है शशि, राकेश, मयंक। चिड़िया, चिड़िया के पर्यायवाची शब्द है खग, विहंग, पक्षी। कोयल, कोयल के पर्यायवाची शब्द है कोकिला, बसंत दूत। पापा या पिताजी, जिसे आप माताजी जो पिता जो भी कहते हैं, तो पिताजी, पापा, पिता, तात, जनक। अब बच्चों हम आगे चलते हैं, आगे है सोचो और बताओ। इसमें प्रश्नोत्तर हैं, आप ध्यान पूर्वक देखेंगे, जो हमने अभी कविता में पढ़ाया है, समझाया है, उन्हीं के आधार पर प्रश्न है, आप इनको बहुत ही आसानी से जवाब दे देंगे। पहला प्रश्न है, सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? बच्चों आप सोचिए, उत्तर होगा सूरज आसमान में सारे संसार को प्रकाश देने के लिए दौड़ लगाता होगा। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया शोर क्यों मचाती होंगी? बच्चों उत्तर होगा, चिड़िया प्रसन्नता से भरकर शोर मचाती होंगी। आप सुबह देखते होंगे अपने घरों में चिड़िया सुबह होकर के खूब चहचहाती हैं, तो वो प्रसन्न रहती हैं तभी बोलती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा? बच्चों इसका उत्तर है, चंद्रमा का प्रकाश अन्य तारों से अधिक है, इसलिए वह तारों पर अकड़ता होगा। प्रश्न अगला है चार, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? बच्चों उत्तर होगा, दादा घर में टोंका टांकी करके धौंस जमाते होंगे। बच्चों अब इस पूरे कार्य को आप अपनी अपनी कापियों में अच्छे से लिख लीजिए। धन्यवाद बच्चों।